अहमश भलेरे सामना करें मुंतजिम का। इस मरतबा खेलने की कोशिश, वाइट का इशारा। देखिए सिटी क्रिकेट में चार से पांच चेहरे रहे थे जो पड़गा और उसके परिसर पूरे परिसर से चमके थे, जिसमें शाहिद खान, जरार मुल्ला, विवेक शेलार, महेंद्र मागे और शेखर दलवी। बाकी तो कुछ पोस्टर में रहे और कुछ पिक्चर में आए लेकिन फ्लॉप रहे। यस, हेमश के लिए तो सिटी क्रिकेट बहुत ही खराब रहा इस सीजन में। इस मरतबा बीट हुए वहाँ पर, अच्छी गेंद थी, दो ओवर की समाप्ति, रन बने बीसीसी के 24। दिन की रोशनी में ये टोटल खराब भी नहीं और अच्छा। तो बहुत ही अच्छा खेले उन्होंने, तो पूरी तरह से सिटी क्रिकेट में मैच फिनिशर का रोल अदा किया। साथ ही साथ लतीफ रईस जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की सत्रह में जहलीस तलवली टीम के लिए। देखिए कामरान पटेल भी एक ऐसा चेहरा था जो बहुत अच्छे रहे लेकिन क्रूशल मोमेंट पे कामरान पटेल भी नहीं चले। यस, जिस तरह से बाली ट्रॉफी में क्रूशल मोमेंट पर अपना विकेट फेंक दिया था और वहीं से जहलीस बाली ट्रॉफी से बाहर हो गई थी। हालांकि इसके ट्रॉफी में पायनियर को 6 रन बनाने नहीं दिए थे कामरान पटेल ने। बहरहाल लौट चलते हैं पीसीएल की तरफ। दो ओवर की समाप्ति, कुल रन बने 24। गेंदबाजी में अप्पू को सामने की ओर से बुलाया है। इस मरतबा स्विंग कर दिया गेंद 6 रनों के लिए। जो तेरी देखी शराबी ये दो हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो। ओ क्या शॉट खेला ऊपर शहीद खान ने, सबसे लंबा छक्का अभी तक भावे सर पीसीएल का शहीद खान के बल्ले से निकलता हुआ। बिल्कुल, शाहिद खान का कैच मेरे ख्याल से दुर्गेश ने छोड़ा था शॉर्ट मिड विकेट पर, जो बहुत ही महंगा पड़ता हुआ। कैचे छूटने की भी अलग अलग घटना है। गुप्तिल ने जब 237 रन मारे थे उनका 4 पे कैच छूटा था। रोहित शर्मा ने 264 रन मारे थे उनका 4 पे कैच छूटा था। लेकिन सबसे बड़ा कैच छोड़ने का जो अपसेट है, हालांकि अभी के जो जनरेशन है उनके लिए 2011 के वर्ल्ड कप में जो गौतम गंभीर का कैच छोड़ा था मेगा फिनाले में नुवन कुलशेखरा ने, और उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली थी और वहीं से टीम इंडिया 2011 का वर्ल्ड कप जीत ली थी। देखिए दिस इज द पार्ट ऑफ गेम, ये खेल का हिस्सा है ना कि हादसा है। शाहिद को छोड़ दिया, वाइट का इशारा तब अंपायर का, रन लेना चाहते थे वहां पे अहमश। देखिए शाहिद खान अगर सिक्सर के हैट्रिक करते हैं तो फिर मंगेश उर्फ मंग्या की तरफ से 1000 रुपए का इनाम है। देखने हैं वहां पर क्या कुछ हुआ है। समय के मामले में कोऑपरेट करे आरसीसी राया और साथ ही साथ बीसीसी के दोनों भी ओपनर्स। अब्दुल करीम ने इस वक्त आरसीसी राया को ऑल द बेस्ट कहा है, लेकिन ऑल इज वेल नहीं है। राया के लिए विकेट लेना बहुत जरूरी हो गया है। शाहिद को स्वीप कर दिया, फील्डर नहीं रोक पाए, गैप में गेंद, पहले बाउंस पर 4 रन। तुझ पे फिदा
मैं क्यों ना आता है गुस्सा मुझे प्यार पे मैं लुट गया मन के दिल का कहा। बहुत अच्छा शॉट किला तो पर स्लॉट स्वीप शाहिद खान ने किया था, खाली क्षेत्र में देखी है उनका ट्रेड। बहुत जल्दी अपने आप को झुका लिया, बहुत खूबसूरत स्वीप स्ट्रोक का 4 रन पोजीशन बनाया था अपने आप को। अगेन पहले बाउंस पर चली गई थी डीप मिड विकेट के बाहर 4 रनों के लिए। 35 रन 35 फॉर दी नन। इस मरतबा बढ़िया गेंद छोड़ दिया उसको, हालांकि बहुत अंदर थी लाइन के। यस बहुत अंदर गेंद थी, व्हाइट की गाइडलाइन के अंदर से गेंद चली गई थी। इस मरतबा फुल टॉस गेंद, एलिवेशन नहीं हवा में जरूर है लेकिन सेफ लैंडिंग होती भी तब तक के थ्रो आता, 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। इन 2 रनों से स्कोर आगे सरकता हुआ 37 रनों पे पहुंचा है। एक अच्छे टोटल की तरफ बढ़ती हुई बीसीसी बोरिवली पर का, जबकि 37 बिना किसी नुकसान पर। शाहिद खान का शून्य पर कैच छोड़ा था, उसके बाद 3 सिक्सर और 1 चौका लगाया, अच्छे टच में नजर आते हुए। क्रिकेट में नसीब भी का साथ होना बहुत जरूरी है, क्रिकेट हो या जिंदगी। इस मरतबा फिर से स्वीप किया है, फील्डर मौजूद है डीप में, 1 रन बनता हुआ स्कोर में, 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है 38 रन बिना किसी विकेट के। पहले मैचेस में देखा जाए तो आरसीसी की बहुत अच्छी गेंदबाजी थी, जिसके बदौलत उन्होंने कभी मरतबा डिपेंड भी किया था अपोजिशन टीम को, लेकिन आज देखिए बीसीसी के सामने सभी महंगे साबित होते हुए। अफजल कुंगले ने ऑल द बेस्ट कहा है आरसीसी को, स्कोर है बीसीसी बहुत तेजी से सुपर सिक्स के स्कोर की तरफ बढ़ती हुई 38 रन। स्विच इट करने की कोशिश, बीट बैट्समैन बीट विकेट कीपर और अहमद बलेरे को रन आउट होना ही था क्योंकि बिना देखे भाग रहे थे और आखिरकार रन आउट। बुरा है जादू तेरी आँखों का, ये मेरा कातिल हो गया, गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। अहमद ने शाहिद खान के कॉलिंग को देखा ही नहीं था, जिस तरह से उन्होंने स्विच इट खेला था, ये देखिए बीट हुए थे विकेट कीपर है लेकिन बढ़िया फील्डिंग पीछे और आउट हुए वहाँ पर अहमद। यही तरीका था जहाँ पर अहमद आउट हो सकते थे, रनआउट का शिकार बनते हुए बीसीसी का पहला विकेट गिरता हुआ कुल मिलाकर 38 रनों के योग पर। मान क्रिकेटर बीसीसी के जो अनफिट है अब्दुल अजीज हमसे जुड़ चुके हैं, ओपन क्रिकेट में जब सिटी क्रिकेट में उन्होंने दाखला लिया था तो बहुत खूबसूरत सिक्सर लगाया था, बात चल रही थी पड़गाड़ उसके परिसर की। इससे पहला जो सीजन था उस वक्त कई खिलाड़ी थे जो बहुत चमके थे सिटी क्रिकेट में। देखिए आदित्य, मैंने कई बार देखा है कि बारवा खिलाड़ी कहता है कि 6 गेंदों में कल 6 सिक्सर लगा के आया है ये बैट्समैन ग्रामीण क्रिकेट में, और धोबी तालाब स्टेडियम पे 6 रन नहीं बना। देखिए ग्रामीण और सिटी क्रिकेट का फॉर्मेट बहुत अलग है, ग्रामीण के जो गेंदबाज रहते हैं उनके पास वेरिएशन बहुत कम रहते हैं, लेकिन जो सिटी में खेलते हैं उनके पास एक्सपीरियंस और हर गेंद के पीछे वेरिएशन रहते हैं। नहीं आपको तो पता होगा कि मापोली क्रिकेट धमाका में मैंने जब वसीम जाफर से सवाल किया था तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि डोमेस्टिक क्रिकेट में उतनी गेंदबाजी कार्डधार नहीं रहती, इंटरनेशनल क्रिकेट में हर मुल्क के उनके अपने टॉप के खिलाड़ी रहते हैं। यस नए बैट्समैन ने देखिए अब जरार मुल्ला आ चुके और गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ चौथे ओवर के लिए मुंतजिम को कंटिन्यू किया, जबकि ओवर नंबर 2 किया था और 15 रन उन्होंने खर्च किए थे। बहुत अच्छे टच में इस सीजन में जरार मुल्ला, चाहे उन्होंने सिटी क्रिकेट में भी वहीं अपना रोल दिखाया और ग्रामीण क्रिकेट में भी बहुत अच्छे टच में रहे, इस पीसीएल में भी बहुत बढ़िया बारी खेली उन्होंने। 3 ओवर की समाप्ति, समय में सहयोग करें, आज 10 मुकाबले हैं, कल सुबह के 3:30 बजे थे।
देखिए समय के मामले में कोऑपरेट करे आरसीसी राजा। मुंतजिम गेंदबाजी के लिए तैयार शाहिद खान, आप अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। इस मरतबा बढ़िया गेंद, पिछले पांव पे जाके टैप करना चाहते थे, उछाल को भाप नहीं पाए थे। बल्ले के करीब से गेंद, बल्ले और इरादे दोनों को बीट करती हुई विकेट कीपर के पास। बहुत अच्छी गेंद थी, शाहिद खान का जो अनुमान था उसको गेंद चीर कर चली गई थी। गेंद पड़ने के बाद बाउंस और राइजिंग बन गई थी बैट्समैन शाहिद खान के लिए। सबसे ज्यादा अब तक रन पीसीएल में बनाने वाले बैट्समैन भी शाहिद खान है। राइट आर्म राउंड विकेट ओवर द विकेट गेंदबाजी की थी, बहुत खूबसूरत गेंद। लगातार शाहिद खान की परीक्षा, परिवर्तन के तौर पे आगे रखा था। युवा गेंदबाज है, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोर है 38 रन एक विकेट गंवाने के बाद। माजिद शेख बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। बीसीसी के पास बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, लेकिन अप्पू अच्छे टच में और अत्तर को कभी भी मौका दिया जा सकता है। इस मरतबा गेंद को निकाल दिया है, गेंद जारी स्क्वाड थर्ड मैन पर, फील्डर मौजूद है डीप में। एक रन बनता हुआ स्कोर में, एक रन से स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है 39 रन एक विकेट गंवाने के बाद। 28 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं शाहिद खान। शून्य पे दुर्गेश ने उनका कैच छोड़ा था। एक अच्छी पारी खेलते हुए अपने टीम के लिए शाहिद खान, तीन सिक्सर के मदद के साथ और एक चौके के मदद के साथ कुल मिलाकर 28 रन बनाए अभी तक 15 गेंदों पर। मुंतजिम की चौथे ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी, अभी तक सिर्फ 3 रन खर्च किए और सामना करते हुए जरार मुल्ला बहुत अच्छे टच में। पहली गेंद ड्राइव किया, मिस टाइम स्टॉक और जरार आउट। शून्य पे शॉट को जब खेल रहे थे तो बल्ले का मुंह घूम गया था और शॉट को टाइम नहीं कर पाए, शून्य पे आउट। बल्ला हाथ में मोड़ गया था, देखिए घूम गया था ज्यादा, मिस टाइमिंग शॉट और गेंद के नीचे टीम की कैप्टन आरसीसी राया के और बढ़िया कैच। जरार मुल्ला इस वक्त शून्य पर आउट होते हुए एक बड़ी विकेट और बड़ी मछली जाल में फंसती भी अब आरसीसी राया के। इस वक्त रफीद भादोड़कर ने बीसीसी को ऑल द बेस्ट कहा है, जबकि नए बैट्समैन योगेश धोंडिया और उनके लिए सतीश काठोले और विपुल सांबरे की तरफ से ऑल द बेस्ट है। योगेश धोंडिया इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आते हुए, आज योगेश धोंडिया को देखिए भावे सर बैटिंग ऑर्डर में फॉरवर्ड किया आगे। देखिए योगेश धोंडिया वैसे भी ऑलराउंडर की फहरिस्त में है, लेकिन इस सीजन में पीसीएल में गेंदबाजी बहुत अच्छी कर रहे हैं। हालांकि क्रिकेट में जो महंगा ओवर है वो योगेश धोंडिया और समायरा स्पोर्ट्स के जयश के नाम है। इस वक्त टोल नाका के कर्मचारी यासीन शेख का आगमन हो चुका है। फुल टॉस गेंद, स्विंग की हवा में, कोई मौका नहीं, पहले बाउंस पर 4 रन। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के। फुल टॉस गेंद थी और स्वंग कर दिया था योगेश धोंडे ने पहले बाउंस पर 4 रनों के लिए। गेंद बल्ले से निकली और डीप स्क्वायर की दिशा पर नजर आई 4 रन, 43 रन 43। मुंतजिम योगेश धोंडे को इस मरतबा अच्छी गेंद, कट के अंदर की जानी भाई थी, ऊपर लगी थी वहां पर, हालांकि पूरी तरह से छटाया था वहां पे धोंडे को। 4 ओवर की समाप्ति, बीसीसी ने बनाए 43 रन 2 विकेटों के नुकसान पे, 43 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 3 मिनट का समय बचा है, अल्पता पडगे संघ आणि तलोली स्पोर्ट तलोली दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी सज्ज राहायचे। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन 4 विकेट गंवाने के बाद, 4 ओवर की समाप्ति के बाद जबकि विकेट सिर्फ 2 गिरे योगेश धोंडिया और शाहिद खान। शाहिद खान इस वक्त 28 पर बल्लेबाजी करते हुए, जबकि
15 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। देखना अब आखिरी ओवर में शाहिद खान क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। चार ओवर 43 रन 2 विकेट, आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज दुर्गेश आए। पहली गेंद ज्यादा बाहर कर बैठे वाइट, 44 रन। दुर्गेश सोचते होंगे कि शाहिद खान का जो शून्य पे कैच, वो भी एक आसान सा कैच गिरा दिया था उन्होंने। 28 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं शाहिद। दुर्गेश इस मरतबा लिफ्ट कर दिया गेंद को, ये जाएंगी साजन के घर 6 रन। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे 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 लिखे जो खत तुझे। देखिए मान क्रिकेटर कौन बनता है। सचिन तेंदुलकर पे भी एक ऐसा समय आया था उनका फॉर्म बहुत ही खराब चल रहा था, हालांकि पेपर्स मीडिया कमेंटेटर्स कह रहे थे कि सचिन के दिन लत गए, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। जो गलतियों को याद रखता है वहीं आगे बढ़ता है, जो चलाए उसको आपको कबूल करना चाहिए। या सर पिछले कई मैचेस में हमने देखा था कि शाहिद खान ग्रामीण क्रिकेट में काफ़ी फॉर्म में नहीं थे, लेकिन सिटी में ज्यादा नजर आ रहे थे। अब उन्होंने साबित कर दिया कि ऊंचे क्लास के बैट्समैन है। फिर से स्लॉट स्वीप, क्या शॉट खेला, शॉट ऑफ द डे 6 रन। ये देखिए किस तरह से ये शॉट बहुत ही कमाल का खेलते हैं, हालांकि इस शॉट पे कमांड है भवेश पवार को। 56 रन अब्दुल रजाक जफीर कुंगले, जो नन्ना मुन्ना बच्चा हमारे साथ है, आरसीसी के बहुत बड़े फैन है, लेकिन आरसीसी की कठिनाइयां बढ़ती भी स्कोर तेजी से 56 रनों पे पहुंचा है। इस मरतबा अच्छी गेंद थी, बैठ गई थी वहां पर, स्विंग करने की कोशिश की थी, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर, बढ़िया गैदर विकेटों के पीछे। इस मरतबा गेंद को स्विंग किया, एक और सिक्सर। Quem tá presente, as novinhas ali, hein? Se colocando e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum, tam, tam. Vem com o bumbum, tam, tam, tam. Mexe o bumbum, tam, tam. Mexe o bumbum, tam, tam, tam. Mexe o bumbum, tam, tam. Mexe o bumbum, Durgesh ne... अगर ये मैच हार गई आरसीसी राया तो कैच नहीं मैच छोड़ा था, जो शाहिद खान का शून्य पे छोड़ा था। और अब शाहिद खान 40 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, और जो अब बल्लेबाजी कर रहे गेंदबाज दुर्गेश के सामने जिन्होंने कैच 46 पे, मेरे ख्याल से 46 पे बल्लेबाजी कर रहे, 46 अर्धशतक से 4 रन दूर। क्या अर्धशतक बनाएंगे दुर्गेश। शाहिद को हवा में स्ट्रोक, और अब की बार गलती नहीं की, और शाहिद खान बहुत बढ़िया बारी खेलने के बाद 46 रन पे आउट। अच्छी पारी खेलकर डगआउट में लौटे हुए शाहिद खान 5 सिक्सर के मदद के साथ 46 रनों की पारी खेली। एक विशाल और विस्फोटक, एक अच्छा स्टार्ट और एक अच्छा इनिंग खेली शाहिद खान ने अपनी टीम के लिए। नए बैट्समैन राहिल शेख आ चुके, लेकिन सामना करते हुए योगेश धुंधे। स्कोर इस वक्त बहुत अच्छा टोटल बना लिया है, हालांकि हवाएं तेज है, दिन की रोशनी का मैच है। देखिए जो प्लेयर्स नीचे बैठे उनको कुर्सी में जाकर बैठना है बीसीसी के।
इस बीच गेंद और रऊफ की कोशिश रायगा जाती हुई, दो रन बना लिए हैं बैट्समैन ने, तीसरे के लिए पलट चुके हैं, तीन रन बना लिए हैं, चौथे के लिए जा रहे हैं अब जाकर रन आउट। तो कुल मिलाकर 65 रन बने, 66 रनों की चुनौती रखी है, बहुत लंबा टोटल रखा है। आइए हम आपको लिए चलते हैं तलोली स्पोर्ट, तलोली और अलफता के बीच के मैच के टॉस की तरफ, गायकाट सर के पास। धन्यवाद भावे सर, असलम चमनाड यांना विनंती करतोय, आपण आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेकी करायची आहे। अलफते पडघे वर्सेस तलोली स्पोर्ट तलोली, दोन्ही मातब्बर असे हे संघ आहेत आणि या दोन्ही संघांच्या दरम्यानची लढत आपण अनुभवणार आहोत। असलम चमनाड यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकी करणार आहोत। महेश राऊत यांच्या सौजन्यानं आम्हाला टॉस बॉक्स या ठिकाणी लाभलेला आहे। तर असलम चमनाड यांना विनंती करतोय, असलम जी चमनाड आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे, तलोली संघानं तीन सामन्यांमध्ये विजय प्राप्त केलेला आहे, तर नक्कीच अल्फते पडघे संघानं दोन सामने खेळले आणि दोन्हीच्या दोन्ही सामने गमावलेले आहेत। तर नाणेफेकी होत आहे, चॅम्पियन्स ट्रॉफी पडगा प्रीमियर लीग 2019 अतिशय मानाची सन्मानाची ही स्पर्धा आणि त्याची नाणेफेकी तलोली वर्सेस तलोली, आणि अल्पते पडगे या दोन मातब्बर संघांच्या दरम्यानची ही लढत मी मान्यवर विनंती करतोय, आपण मंचाची शोभा वाढवायची आहे। तलोली संघाला तीन सामन्यांमध्ये विजय मिळवला आणि नाणेफेकीचा गोलही प्राप्त केलेला आहे तो अल्पते पडगे संघानं, आपला निर्णय काय असणार आहे? फिल्डिंग क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतलेला आहे, दिवसा जो काही सूर्यप्रकाश आहे, चांगली उष्णता, त्यामुळेच या ठिकाणी क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय, किती धावांवरती रोखण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे तलोली स्पोर्ट तलोली संघाला? 40-45 तक, 40-45 धावांवरती रोखण्याचा प्रयत्न केला जाईल। महत्त्वाची भूमिका गोलंदाजी कोणाची राहील की जे 40-45 धावांपर्यंत रोखणार आहेत? शाकिब सफवान आहे, उमेद आहे, शाकिब सफवान उमेद यांच्यावरती धुरा असेल। दोन्ही सामने गमावल्यानंतर आता मात्र अस्तित्वाची लढाई आहे, त्यामुळे हा सामना तुम्हाला जिंकणं गरजेचं आहे, तर एक रंगतदार लढतीची अपेक्षा आहे आणि जिंकण्यासाठी तुम्ही प्रयत्न कराल? इन्शाअल्लाह जिंकेंगे, निश्चितपणे, म्हणजे जिंकण्यासाठीच आपण खेळणार आहोत अशी भावना व्यक्त केलेली आहे। तिन्ही सामने आपण जिंकलेले आहेत आणि आणखी एक महत्त्वाची ही जी लढत आहे ही सुद्धा जिंकत विजयाच्या आशावरती आरूढ होत निश्चितपणे आपण सुपर सिक्समध्ये प्रवेश करू इच्छित असणार, तर किती धावा या ठिकाणी आपण करण्याचा प्रयत्न करणार आहात? इन्शाअल्लाह 50 तक जाने की कोशिश, 50 प्लस जाने की कोशिश करेंगे। 50 अधिक धावा, पहिल्या सामन्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर 70 धावांचं उद्दिष्ट ठेवलं होतं कर्णधाराने, त्याप्रमाणे 69 धावा आम्हाला पाहायला मिळाल्या, आता मात्र 50-55 धावा करण्याचं उद्दिष्ट आपण ठेवलेलं आहे, तर त्या पद्धतीनं न्याय देणारे अनेक फलंदाज आम्हाला पाहायला मिळतात। परंतु या स्पर्धेमध्ये आपण जर पाहिलं तर उशिरा रात्री अनेक सामने आपण खेळले, आता हा सामना दिवसा खेळणार आहोत, तर त्याचा एक वेगळा परिणाम काय संघावरती होईल का? नाही, ऐसा कोई प्रेशर नाही, पर डे नाईट दोनों मॅच खेळते अच्छा खेळेंगे। यावर्षी सिटी क्रिकेटमध्ये सुद्धा खूप चांगली छाप पडलेली आहे तलोली संघानं, आणि आतासुद्धा आपण जर पाहिलं तर चॅम्पियन प्रीमियर लीगमध्ये एक विशेष बाब आहे, आणि आपण जर पाहिलं तर अफसर रईस एक बुजुर्ग खेळाडू आहे, त्याच्याकडनं काय अपेक्षा असणार आपल्या? अफसर रईस और शाहिद खान एक नंबर टुर्नामेंट ऑर्गनाइज किया है, एक खेळाडू म्हणून अफसरकडनं संघाची अपेक्षा काय असणार? बहुत अच्छे खिलाड़ी और हमको बहुत सपोर्ट करते है और खिलाड़ी को निश्चितच, म्हणजे खेळाडू म्हणून त्यांची भूमिका जी आहे ती सुद्धा महत्त्वाची आहे आणि इतर खेळाडूं प्रोत्साहन करतायत, तर निश्चितपणे नाणेफेकीचा कोल अल्पते पडगे संघानं प्राप्त केला, प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेले, फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले तलोली स्पोर्ट तलोली संघाला, एक काटोकी टक्कर आपल्याला पाहायला मिळेल असं दोन्ही कर्णधारांनी भावना व्यक्त केलेल्या आहेत। माई गो टू कॉमेंट्री बॉक्स, हायेस्ट रन मेकर्स पीसीएल के शाहिद खान बन चुके हैं, उनको ऑरेंज कैप पहनाने जा रहे हैं। अब्दुल अजीज ओपन क्रिकेट के बहुत बड़े खिलाड़ी, अब्दुल अजीज से रिक्वेस्ट है, हाईएस्ट रन मेकर्स इन पीसीएल, अब तक कितने रन बनाए शाहिद खान ने? 92 रन्स। नक्कीच टॉस बॉक्स मध्ये या ठिकाणी अब्दुल अजीज यांच्या शुभ हस्ते, आपण ही शाहिद खान यांच्या डोक्यावरती ऑरेंज कॅप चढवली जाते,
बैंडो रन आतापर्यंत त्याने उभारलेले आहे निश्चितपणे खूपच सुरेख. गायकवाड सर अभी तक पीसीएल के मैक्सिमम सिक्सर लगाने वाले भी शाहिद खान है, अब तक 9 सिक्स लगा चुके. नक्कीच 9 षटकार मारत सर्वोच्च षटकार मारणारा फलंदाज सुद्धा ठरलेला आहे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत शाहिद खान यांच्यासाठी. बीसीसीआय बोरिवलीच्या पाटीलकांना विनंती करतोय. ऑरेंज कॅप आपल्याला पाहायला मिळते शाहिद खानच्या डोक्यावर. और मैक्सिमम बाउंड्री लगाने वाले तलोली के ओपनर रयान है, 10 चौके लगा चुके हैं. देखिए 66 की चुनौती का पीछा करने के लिए ओपनर तुरंत भेजना है आरसीसी राया. छठ का पीछा करने के लिए दोनों भी ओपनर्स बीच मैदान पर आते हुए अप्पू और साथ में कामरान, दोनों भी अच्छे खिलाड़ी है. अप्पू बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, कामरान एक अच्छा हार्ड हिटिंग और टेक्निक बैट्समैन है. जैसी सिचुएशन रहती है, जैसी परिस्थितियां रहती है, मैच की वैसा खेल देते हैं. इस वक्त छोटे नन्हे अब्दुल रजाक के तरफ से ऑल दी बेस्ट थे दोनों भी ओपनर्स और अप्पू. और कामरान और अप्पू के लिए ऑल दी बेस्ट थे अब्दुल रजाक की तरफ से, जो राया के बहुत अच्छे शुभचिंतक है. देखिए आईएस रन मेकर्स, आईएस विकेट टेकर्स और बेस्ट ऑलराउंडर, ये तीनों कैप्स दिए जा रहे हैं. मैच की पहली गेंद रायल शेख की, अच्छी गेंद थी, अंदर की जानी आई गई थी, निशाना चूक गया. बैकअप के लिए कोई भी खिलाड़ी नहीं, अब जाके जरार मुल्ला बैकअप करते हुए डीप से आकर तब तक एक रन पूरा करते हुए. देखिए पहली गेंद पर शाहिद खान का कैच छूटा था और इस पहली गेंद पर रन आउट छूटा हुआ बीसीसीआई की तरफ से. हालांकि डायरेक्ट हिट की जरूरत थी, टैप किया था बैकफुट पे जाके. देखिए बीसीसीआई ने टोटल बहुत अच्छा बना लिया है. इस मैच को अगर जीतती है तो सुपर सिक्स में जाएंगी, राया जीतती है तो राया सुपर सिक्स में जाएंगी. राहिल शेख फिर एक मरतबा राइट आर्म मोड़ दी विकेट, इस मरतबा इनफील्ड के ऊपर से खेला है टिपिकल पावर प्ले. पहले बाउंस पर 4 रन. Beautifully played. Beautifully played indeed. That was a max room and played risky stroke. Over there goes the covers. Terrific shot, 4 runs. बहुत अच्छा शॉट्स खेला ऊपर बैट्समैन अप्पू ने. देखिए ऑलराउंडर की भूमिका में सबसे ऊपर इस पर रैंक करते हुए रेहान मुरुमकर तलवली स्पोर्ट्स द तलवली के. तौफीक भी हमसे जुड़ते हुए आपका भी इस्तकबाल है. साथ ही साथ योगेश कोहली नंबर 2 पर रैंक करते हुए उस लिस्ट में जो नक्षत्र के खिलाड़ी है. रेहान मुरुमकर इस वक्त ऑलराउंडर की भूमिका में नंबर 1 पर है इस पड़गा चैंपियन लीग में. काफी रूम दिया था ऊपर बैट्समैन ने और गेंद चली गई थी कवर की दिशा पर 4 रनों के लिए. मोहम्मद पावले ने राया से राया आरसीसी को ऑल द बेस्ट का. स्मर्तवा अच्छी गेंद, चेंज ऑफ बेस, गति में परिवर्तन धीमा किया था राहिल शेख ने, पूरी तरह से बीट किया था ऊपर बैट्समैन कमरान को. देखिए राहिल शेख एक ऐसे गेंदबाज है जिनके पास वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, धीमी गेंदों का अच्छा मिश्रण करते हैं और मैंडेटरी पावर प्ले में अभी तक खामोश रखा है बल्लेबाजों को. स्मर्तबा डाउन दी विकेट खेला रहा है, मिड ऑफ के ऊपर से गेंद चली गई पहले बाउंस पर 4 रनों के लिए. ये देखिए ओवर पिच गेंद थी, सीधे प्लेट से लॉफ कर दिया
डाउन द ग्राउंड 4 रन, कमाल का शॉट अप्पू का, अप्पू भी बहुत अच्छे टच में है। देखिए योगेश धुंधे मिड ऑफ पर थे और उनके सर के ऊपर से खेलने में सफल हुए बैट्समैन अप्पू और गेंद चली गई थी पहले बाउंस पर 4 रनों के लिए। पावर प्ले का अधिकांश लाभ उठाते हुए अप्पू जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हुए नौ बिना किसी नुकसान पर। राहिल शेख फिर एक मरतबा ओढ़ दी विकेट, मरतबा कदमों का इस्तेमाल किया था लेकिन काफ़ी दूर रखा था बैट्समैन अप्पू से, गेंद लहरा थी भी विकेट कीपर के पास। अंजला कुंगले और अबुजर कुंगले ने आरसीसी राया को ऑल द बेस्ट कहा है और अच्छी शुरुआत मिलती भी आरसीसी राया के लिए बिना किसी नुकसान पर न हो जबकि 66 रनों का पीछा करती भी। स्मर्तबा मिस टाइमिंग हो एफर्ट देखिए बहुत अच्छा, गजब की फील्डिंग हो पर कैच को आखिरकार अंजाम नहीं दे पाए लेकिन कुछ रन बचाते हुए याया खोत बहुत बढ़िया कोशिश की थी याया खोत ने डाइव करके, हालांकि हाथों गेंद लगती है तो माना जाता है कि वो कैच है और ये भी कैच था लेकिन मुश्किल अवसर। भारी भक्कम शरीर के यदि ऑलराउंडर की भूमिका के सबसे नंबर वन पर इस लीग में रैंक करते हुए रेयान मुरुमकर पहुंच चुके तलवली स्पोर्ट्स तलवली के, साथ ही साथ योगेश कोहली भी उस लिस्ट में नंबर दो पर। एक ओवर की समाप्ति के बाद भावेसर 10 रन, एक अच्छा टोटल भी नहीं कहेंगे और खराब टोटल भी नहीं कहेंगे जबकि बिना किसी नुकसान पर बहुत अच्छी शुरुआत, अभी भी जीतने के लिए 56 रनों की जरूरत। अब रन रेट बढ़ता हुआ, बची भी 24 गेंदे और 56 रनों की जरूरत। देखिए आस्किंग रन रेट तो शुरुआती ओवर से ही ज्यादा था और देखना है कि माजिद शेख किस तरह गेंदबाजी करते हैं। अब प्रति ओवर 14 के रन रेट से रन बनाने होंगे। देखिए समय के मामले में बीसीसीआई आपको भी कोऑपरेट करना है, खास करके शहीद खान। ये देखिए शुमाइल सुसे जो पहले बैट्समैन थे एलईडी स्क्रीन से निकलने वाले बाली ट्रॉफी में। माजिद मतलब उठा दिया गेंद को लेकिन मैदान के अंदर गेंद के नीचे जरार और मौका दिया ऊपर और चौका भी दिया। टाइम नहीं कर पाए थे शॉट को, जरार थोड़ा आगे निकल गए, मिस जज किया और इसे कहते हैं मौका भी देना और चौका भी देना। कोशिश बहुत अच्छी की थी लेकिन अनुमान काफी गलत था जरार का और आउटफील्ड के बहुत अच्छे खिलाड़ी है लेकिन कैच छुट्टा हुआ बैट्समैन अप्पू का। माजिद फिर एक मरतबा फोर्स कर दिया है गेंद शाहिद खान के सर के ऊपर से। तुम्हें रास्ता बुलाए सुनी जगह पे कहीं छेड़ाए क्रेडिट क्रेडिट प्लेड बैक अप्पू लुक एट दैट गोज इज बैक फुट एंड फोर्स हार्ड ही शॉट जस्ट ओवर द हेड ऑफ शाहिद खान टेरिफिक शॉट 6 रन्स। क्या शॉट्स खेला, फोर्स किया था, ताकत का ज्यादा इस्तेमाल किया था और शाहिद खान के सर के ऊपर से खेल दिया था 6 रनों के लिए। देखिए भावे सर जब टोल नाका एंड है जहाँ पर कमेंट्री बॉक्स के एंड के जानिब से जब भी गेंदबाजी होती है दायात के बैट्समैन के लिए तो अधिकांश रन बनते हैं। बिल्कुल मैंने पहले ही कहा था दिन की रोशनी में मुकाबला हो रहा है और रन तो बहुत अच्छे बना लिए हैं लेकिन राया की बल्लेबाजी भी गेंदबाजी को टेस्ट करेंगी। अच्छी गेंद बाल बाल बच गए ऊपर। ये देखिए इस वक्त बीसीसी के खिलाड़ी राफिद भादवड़कर महाबलेश्वर में और यूट्यूब पर मैच देख रहे हैं, उनकी तरफ से बीसीसी टीम के लिए ऑल दी बेस्ट है। ब्यूटीफुल बॉल रीड दी बॉडी लैंग्वेज ऑफ बैट्समैन लॉन्ग वे शफलिंग एंड ट्राई टू वर्क द वे ऑन द ऑन साइड लवली बॉल फ्रॉम माजिद शेख। कल तो राफिद भादवड़कर हमारे बीच में थे और आज
एकाएक महाबलेश्वर में पहुंच चुके हैं, जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया पर मैसेज किया बीसीसीआई के ऑल द बेस्ट के लिए। उठा दिया गेंद के नीचे शाहिद खान और आउट होते हुए अब बैट्समैन अप्पू। डीजे वैभव इन द मिक्स 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 मेरा दिल धड़का मेरी जान तड़पती है, जिसे देख मेरा दिल धड़का मेरी जान तड़पती है, कोई जन्नत की वो होर नहीं तेरे कॉलेज की। देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पर, ज्यादा शफल किया था, पैरों में गेंद रखी थी, ताकत नहीं मिली थी शॉट को खेलने के लिए, सीधा ट्रैवल करती हुई लॉन्ग ऑन पे शाहिद खान के हाथों में। प्राइस लेस विकेट मिलती भी, जो तीखे तेवर में बैट्समैन थे 19 रनों की पारी खेलकर डगआउट में जा चुके अप्पू। नए बैट्समैन अथर आ चुके, सामना करते हुए बैट्समैन कामरान सिर्फ अभी तक उन्होंने एक गेंद खेली और जिसमें एक रन बनाया था। माजिद शेख अपने टीम को ब्रेक थ्रू दिलाते हुए बीसीसी के लिए, जो कामरान पटेल बहुत अच्छे टच में थे। अर्जोली से अल्ताफ पटेल ने राया टीम को ऑल द बेस्ट कहा है, जबकि आपको आउट हुए थे। मतलब एलिवेशन नहीं बना, गेंद चली गई शाहिद खान के पास, बढ़िया फील्डिंग, एक रन पूरा करते हुए अथर और स्कोर आगे सरकता हुआ सिंगल के मदद के साथ 21-21 फॉर दी वन विकेट्स। अप्पू ने तीन चौके और एक सिक्सर के मदद के साथ 19 रन बनाए थे, जबकि कामरान दो पर बल्लेबाजी करते हुए। फिर से अच्छी गेंद अथर के लिए, एक रन पूरा करते हुए राहिल शेख गेंद को उठाते हुए। Yes, I think good comeback from Majid Sheikh. First two ball he given away 10 runs and then excellent bowling, and that marks the end of the second over. His score is 22. Do over ki samapti 22 run bane. Teen over bache, kitne run chahiye jeetne ke liye? 44 run chahiye. Bachi bhi rate hai wo 14 pe jata hua. Bachi bhi ab 24 gend 18 gende aur jeetne ke liye 44 runon ki zarurat hai.
पहुंच रहा है, जरा आउटपुट चेक करें। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए इसमें फ्लिक करने की कोशिश, विकेटों के ऊपर से गेंद गई, सही निर्णय अंपायर रमीज रईस का, लेकिन स्टंप के ऊपर से गेंद जाती हुई तीसरी डॉट इस ओवर की गेंद। देखिए पहले गेंद पर छक्का लगा था, उसके बाद अच्छे गेंदबाज की यही निशानी रहती जब पलट कर वार कर देते। 8-21 का इक्वेशन, तीन डॉट गेंदे दबाव बढ़ाती हुई राया टीम पे। माजी शेख इस मरतबा दूर से खेलने की कोशिश और अपना विकेट फेंक दिया वहां पर कामरान ने। शॉट था अथर ने खिलाड विकेट इस वक्त रनआउट के रूप में कामरान का गिरता हुआ। फिर से एजिटेशन हुआ था, यस नो और वेट का कॉम्बिनेशन नहीं था दोनों भी खिलाड़ी के बीच में और विकेट फेंक दिया पर कामरान ने। दुर्गेश को भेजा है बल्लेबाजी के लिए क्योंकि दुर्गेश बाएं हाथ के बैट्समैन है, लेकिन इफ्तेकार एक ऐसे बैट्समैन है जिन्होंने बहुत बढ़िया बारी खेली थी बाली ट्रॉफी में 14 डिग्री सेल्सियस में देर रात। दुर्गेश यूट्यूब पे हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, अब सब जगह से कंप्लेंट आ रही है यूट्यूब पे हमारी आवाज। फिर मैं जो कंप्लेंट दे रहे हैं उनसे कहूंगा कि अपना वाईफाई कनेक्शन या फिर अपना जो मोबाइल नेटवर्क है उसको सर्च करें क्योंकि बाकी जगह पे आवाज जा रही। समय के मामले में कोऑपरेट करे बीसीसी। राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए इस मरतबा गेंद को लॉफ किया शाहिद का, ओ शुमाइल सूसे थे पहले बाउंस पर गेंद 4 रनों के लिए, मौका भी दिया चौका भी दिया। मेरी महबूबा 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 काफी आगे निकल गए थे शुमाइल सूसे और गेंद चली गई 4 रनों के लिए पहले बाउंस पर। एक आसान सा कैच था लेकिन ये देखिए रिप्ले में गेंद काफी देर तक हवा में थे, आगे निकल आए थे शुमाइल सूसे और गेंद चली गई 4 रनों के लिए पहले बाउंस पर। आसिफ पटेल तलोजा ने बीसीसी को ऑल द बेस्ट कहा है। एक ओवर में कितने रन चाहिए? 17 रन चाहिए। खतरा अभी भी दोनों टीमों पे मंडलाता हुआ। एक बात है मैच कोई भी जीते लेकिन दोनों टीमों ने पीसीएल में रंग भर दिया है, बहुत अच्छा क्रिकेट हम देख रहे हैं। अच्छी यहां पर देखना है कि 6 गेंदे और 17 रन गेंदबाजी किसको दी जाती है। योगेश अपना ओवर कर चुके हैं, अमर बलेरे को बुलाया गया है। एक ओवर 17 रन। इस ओवर की पहली 3 गेंदे काफी निर्णायक जबकि आयमश को गेंदबाजी पे लगाया। देखिए बीसीसी आपको बार बार वार्निंग दी जा रही है समय के मामले में। देखना है कि दुर्गेश ने आखिरी ओवर में कितने रन दिए थे, 22 दिए थे और उनके सामने 17 रन है, लेकिन स्ट्राइक लेने जा रहे हैं अतर। समय में कॉपरेट करे बीसीसी। ओ स्विंग करने की कोशिश वाई डाला के फ्लाइट दिया था वहां पर। 6-16 का इक्वेशन आरसीसी राया के सामने। फ्लाइट दिया था बैट्समैन को मजबूर किया था लेकिन छोड़ दिया था ऊपर बैट्समैन अथर ने। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए छोटी गेंद अपर कट किया है फील्डर नहीं रोक पाए पहले बाउंस पर कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन।
बहुत अच्छा शॉट खेला था, अपर कट थप्पड़ शॉट जिसे कहा जाता है क्रिकेट में। गेंद चली गई डीप कवर की दिशा पर, पहले बाउंस पर चार रनों के लिए। ये देखिए थप्पड़ शॉट, थप्पड़ मार दी थी। पांच गेंदों में पहले टप्पे पे गेंद बाउंड्री के बाहर गई है। तीसरे अंपायर की मदद लिए ऑन फील्ड अंपायर ने चक के लिए। अंपायर सुरेश दलवी आपको मैदान में जाना है। अंपायर सुरेश दलवी पांच गेंदों में 12 रन चाहिए। एमएस बलेरे अतर कुंगले के लिए कट करने की कोशिश। अच्छी गेंद बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। हर गेंद एक नया रंग ला रही है इस मैच में। 4-12 का इक्वेशन, मैच के 7-12 फंसे हुए। चार गेंदे और अभी भी 12 रनों की जरूरत। एक बड़ा शॉट और दो अच्छी गेंदे बीसीसी के लिए। अहमश अतर के लिए इस मरतबा अगेंस्ट द टर्न खेला है। नो मैन्स लैंड में गेंद है, दूसरे के लिए जा रहे हैं और पूरा करते हुए। तीन गेंदों में 10 रन, 3-10 का इक्वेशन। अब मैच कहीं ना कहीं रोमांचक स्थिति में जाता हुआ 3-10। एक बात है कि मुकाबला कोई भी जीते, लेकिन इस मुकाबले ने पीसीएल में रंग भर दिया है और सामने के स्टैंड में पीसीएल कमेटी की तस्वीर अब लग चुकी है। ये जीत है पीसीएल कमेटी की। इस मरतबा बल्ले के अंदर लगी है, एक रन बना है। दो गेंदों में कितने रन चाहिए? दो गेंदे 9 रनों की जरूरत। मुकाबला टाई हुआ तो फिर सुपर ओवर। जो सपोर्टर्स हैं आपको उस तरह नाचना नहीं है, स्टैंड पे प्लीज। क्रिकेट को क्रिकेट की तरह देखना चाहिए और ऑडियंस को ऑडियंस की तरह ही रहना चाहिए। दो गेंदों में 9 रन, मुकाबला अभी भी बना हुआ है। क्या पहला टाई मैच देखने जा रहे हैं हम भावे सर? अहमश बलेरे सामना करेंगे दुर्वेश। एक गेंद का सामना किया है, 4 रन बनाए दुर्वेश ने। समय में बहुत ज्यादा समय लिया जा रहा है। अहमश दुर्वेश के लिए ऑन साइड के फील्ड को कसा गया है। अच्छी गेंद बीट किया और आउट कॉट बिहाइंड। अंपायर का निर्णय अंतिम रहेगा। आउट हो गए कॉट बिहाइंड। हल्का सा एज लेकर विकेट कीपर के पास गेंद चली गई थी, आउट घोषित किया था पर और निकलते हुए दुर्गेश। एक गेंद में 9 रन जब ही बन सकते हैं जब अहमश चाहे।
इस मरतबा गेंद को खेल दिया और इसके साथ ही बीसीसी ने इस मैच को जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन बीसीसी एंड हार्ड लक आरसीसी राया, बहुत ही अच्छा क्रिकेट आपने खेला। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं जिन्होंने 46 रनों की बहुत खूबसूरत बारी खेली, वो है शाहिद खान। मैन ऑफ द मैच शाहिद खान, इज ओवर टू गायकवाड सर। दोनों टीमों को आपस में मिलना है और ऑडियंस को ग्राउंड में नहीं रहना है। दोन्ही संघांना विनंती करतो एकमेकाचे हस्तांदोलन करायचंय। निश्चितपणे मंचाची शोभा वाढवणारे आमचे सन्माननीय अतिथी भगवानजी भोईर साहेब, मॅन फ्रॉम कासणा, कबड्डी क्रिकेट या खेळांवर अतिव प्रेम, आणि आपण जर पाहिलं तर अतिशय उत्तुंग व्यक्तिमत्व आहे। माणसं जोडण्याचं काम त्यांच्या स्वभावाच्या माध्यमातून त्यांनी नेहमीच केलेलं आहे आणि त्याच माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतं एक परिपूर्ण हस्त व्यक्तिमत्व। भगवानजी भोईर साहेब यांना माहिती शाल प्रदान केली जाते, त्याचप्रमाणे चॅम्पियन ट्रॉफी, पडगा प्रीमियर लीग ची सुरेख ट्रॉफी कृतीचिन्हांच्या माध्यमातून सन्मानित केलं जात आहे। सुरू करायचंय मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी खेळाडू शाहिद खान याला आपण सन्मानित करणार आहोत। मी सन्माननीय भगवानजी भोईर साहेब यांना विनंती करतोय, तन्मय तांबोळ यांच्याकडनं आम्हाला लाभलेली ही ट्रॉफी प्रदान केली जाते। तौफिक शेख यांना विनंती करतोय, आपण योगेश धोंडे यांच्याकडनं लाभलेलं गिफ्ट हॅम्पर आपण प्रदान करायचं आहे। त्याचप्रमाणे 500 रुपयाचं रोख पारितोषिक भगवानजी भोईर साहेब यांच्याकडनं आलेलं आहे, कारण 46 धावांची ही खेळी होती। असलमजी चमनाड यांना विनंती करतो, पुढील गिफ्ट हॅम्पर आपण देणार आहोत जे आम्हाला केतन जाधव यांच्याकडनं लाभलेलं आहे। सन्माननीय गोरे साहेब यांना विनंती करतोय, आपण आपल्या शुभ हस्ते पुढील गिफ्ट हॅम्पर देणार आहात। अब्रार गोरे केवल पाटील यांच्याकडनं लाभलेलं गिफ्ट हॅम्पर, त्याचप्रमाणे केतन जाधव, अमोल जाधव यांच्याकडनं लाभलेलं गिफ्ट हॅम्पर आणि अभिषेक नागावेकर, त्याचप्रमाणे तुषार अशी यांच्याकडनं लाभलेलं गिफ्ट हॅम्पर प्रदान केलं जातंय। सौरभ बर्डी यांच्या शुभ